कितना ज्यादा मोटा है। सारे बेड का बाप निकला था। बेड का जो मेकिंग भी देखिए, थोड़ा ना इंसाइफ होगा। वेलकम बैक टू द होम ऑफ अनबॉक्सिंग क्रिकेट बैट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे बैट लाया हूं, जब इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये सारे बैट का बाप निकला था। जो सबसे पहला बैट है मेरे हाथ में वो है ये हमारा विलेज का अल्टीमेट बीच। ये जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ये सबका बाप निकला था और ये बैट बहुत चला था। दूसरा बैट है हमारा वही विलेज का, ये है हमारा अभी का जो निकला है विलेज का टर्मिनेटर बैट, ये अभी फिलहाल सबका बाप निकला है। तो इस दोनों बैट का हम कंपेरिजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार रहेगा, अगर वीडियो लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिए। आज जो ये दो बैट है ना ये विलेज के कंपनी का ही है, प्राइस रेंज दोनों का सेम रहा है। फिलहाल में जब जमाना चेंज हुआ है तो बैट भी थोड़ा चेंज करके दिया है, देखिए कितना फर्क है दोनों में। तो ये भी उस टाइम में बेस्ट रहा था और ये अभी के लिए बेस्ट है। तो दोनों का कलर तो आप देख रहे हैं, देखिए दोनों का हैंडल भी देखिए और इसका देखिए हाइट भी देखिए, थोड़ा ज्यादा है हमारा टर्मिनेटर का और हैंडल साइज भी थोड़ा ज्यादा है। तो अगर बैट का जो मैकिंग भी देखिए, साइज से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर। तो यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल भी मोटाई थोड़ा कम कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा चौड़ाई कम किया गया है। और इसका जो देखिए बैट का जो फेस देखिए, फेस भी थोड़ा कम कर दिया है, ये हमारा अल्टीमेट बीस्ट का फेस थोड़ा ज्यादा है और इसमें टर्मिनेटर का थोड़ा कम है। बाकी देखिए दोनों साइड में देखिए विलेज लिखा गया है, इसका बार कोड भी दिया गया है, साइड से भी देखिए कोड भी कंपेरिजन किए है तो बहुत ही बढ़िया है दोनों का। अगर हम कंपेरिजन करें तो ये बेटर रहेगा इससे, विलेज का जो टर्मिनेटर बैट है वो बहुत ही लंबे शॉट लगाता है क्योंकि ये 80-90 मीटर तक शॉट ले लेता है। तो ये जो हमारा विलेज का अल्टीमेट बीस्ट भी बहुत ज्यादा दूर तक और वेट में थोड़ा ज्यादा हमारा जो ये टर्मिनेटर बैट रहेगा थोड़ा ज्यादा है और लुकिंग में भी ये थोड़ा बेटर किया गया है। दोस्तों ये दोनों बैट में सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो है स्टिकर पेस्टिंग का। देखिए दोस्तों ये है हमारा विलेज का अल्टीमेट बीस्ट, देखिए यहाँ पे स्टिकर निकल रहा है क्योंकि ये जो है ना ये हीटेड फॉर्मूला से उस टाइम यूज नहीं किया गया था, लेकिन अभी जो हमारा टर्मिनेटर बैट है देखिए पूरी तरह से ये जो स्टिकर पेस्टिंग है ना पूरा सेट है क्योंकि ये जो हीटेड फॉर्मूला यूज किया गया है ना अभी, तो ये इस बैट का जो हमारा जो स्टिकर पेस्टिंग को ना लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो ये बड़ा चेंजेस है ये दोनों बैट में से। जो ग्रिप देखिए, ग्रिप का जो मैं क्वालिटी आप लोगों को दिखाता हूँ, उस टाइम का जो क्वालिटी था देखिए ये था वो क्वालिटी, थोड़ा पतला ग्रिप दिया गया था और अभी का जो ग्रिप देखिए कितना ज्यादा मोटा है। देखिए हम जैसे कि मार्केट में जाते हैं ना, ये अगर इस ये 30 रुपए का ग्रिप है, ये हमें 60 रुपए का ग्रिप दिया गया है, वैल्यू फॉर मनी वो थोड़ा ज्यादा दिया गया है इस टर्मिनेटर। और बैट का जो क्वालिटी जो सरफेस क्वालिटी है वो भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। इसका जो सरफेस क्वालिटी इतना खराब नहीं था उस टाइम का, सबका ये चक्के छुड़ा देता था, ये भी अच्छा था, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है ये बैट। आप लोगों को चाहिए तो ये खरीद सकते हैं, हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो भी अवेलेबल है और इसका जो शॉर्ट टेस्टिंग वीडियो भी अवेलेबल है, सारे देख सकते हैं वहाँ पे, जो हमारा लिंक वगैरह मिल जाएगा बाइंग लिंक, तो वहाँ पे से जाके आप खरीद सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन थोड़ा कलर भी चेंज किया गया ना, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। देखिए घी कलर के साथ ये जो डार्क ब्लू कलर का जो स्टिकर पेस्टिंग हुआ है ना, तो मुझे बहुत ही मस्त लगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बैट है, ये भी उस टाइम का बढ़िया बैट रहा था। कंपैरिजन अगर हम करेंगे थोड़ा ना इंसाइफ होगा इसके साथ क्योंकि ये 2 साल पहले निकला था और ये अभी का बैट है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।